बाड़मेर के गुड़ामालानी में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। बच्चा जिस बोरवेल में गिरा वह करीब 150 फीट गहरा था और बच्चा लगभग 100 फीट की गहराई पर फंसा था। यह हादसा तब हुआ जब बच्चा अपने घर के पास खेत में खेल रहा था और अचानक बोरवेल में गिर पड़ा। यह घटना अर्जुन की ढाणी के डालूराम के खेत में हुई, जहां 3 दिन से एक नया बोरवेल खोदने का काम चल रहा था। पुराने बोरवेल में खारा पानी होने की वजह से नया बोरवेल खोदने का निर्णय लिया गया था। बच्चे के गिरने की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने कैमरों का इस्तेमाल कर बच्चे की मूवमेंट पर नजर रखी, लेकिन बोरवेल में पानी भरा होने के कारण कैमरे से साफ साफ तस्वीरें नहीं आ पा रही थी। अच्छी खबर यह थी कि जब प्रशासनिक प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई तो एक देसी जुगाड़ तकनीक विशेषज्ञ माधाराम ने मोर्चा संभाला। ये विशेषज्ञ जालोर के मेड़ा गांव से आए थे। उन्होंने पीवीसी पाइप, रस्सी और तार का इस्तेमाल कर करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला। हालांकि अत्यधिक समय तक पानी में फंसे रहने के कारण बच्चे की मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई कठिनाइयां आईं। बोरवेल के अंदर पानी भरा हुआ था, जिससे दृश्यता पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। कई प्रयासों के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो टीम ने ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन माधाराम के आने के बाद बचाव कार्य में एक नई दिशा मिली। इसके बाद उन्होंने जुगाड़ तकनीक से बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुखद यह रहा कि बच्चे को जब निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। इस खबर को सुन के सभी ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए थे और भगवान से बच्चे के बचने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन किसी की दुआ काम नहीं आई और 4 साल के मासूम नरेश को बचा नहीं पाए।